So welcome back, dear students. Let's start with the second question of first unit. This question is about 17th chapter of Adam Bede written by George Eliot. अब यहाँ पर आप इसके एक बार इसका जिस्ट समझ लो कि इसमें क्या है. इसमें आपने चैप्टर 17 का एनालिसिस देना है. चैप्टर 17 है जॉर्ज एलियट का लिखा हुआ नावल एडम बीड में से. क्योंकि जैसे इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको राइज ऑफ द नावल के बारे में बताया था कि कैसे इस एज में 18th सेंचुरी में नावल राइटिंग शुरू हो रही थी और उसमें क्या क्या चेंजेस जो थी वो राइटर्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उसी की कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है. अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लीजिए. और अगर मेरी वीडियोज़ आपको हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट. तो जॉर्ज एलियट ने नावल लिखा एडम बीड. इससे पहले की वीडियो में हम बात कर रहे थे रियलिज्म की, तो उसी की कंटिन्यूशन में हम आगे चलते हैं. जॉर्ज एलियट ने एडम बीड में रियलिस्टिक एनवायरनमेंट दिखाया है अपने टाइम का. क्योंकि इससे पहले के जो नॉवेल्स लिखे गए उसमें बातें हो रही थी इमेजिनेशन की, उसमें बातें हो रही थी कुछ रिमोट एरियाज़ की, आप कह सकते हो कुछ ऐसे इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स डील हो रहे थे. रियलिज्म अभी इतना ट्रेंड में नहीं आ रहा था, तो दिस वाज अ न्यू काइंड ऑफ नॉवल. तो जैसे ही जॉर्ज एलियट इस नॉवल को लिख रही थी तो शी फाउंड कि लोगों को ये नॉवल या तो समझ नहीं आएगा वन पॉइंट, या वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें सारा ही रियलिज्म है. तो आफ्टर राइटिंग 16 चैप्टर्स ऑफ द नॉवल उन्होंने 17th चैप्टर में स्टोरी को रोक दिया. और 17th चैप्टर में क्या करना शुरू किया, जो अभी तक लिखा था उसकी एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर दी, राइट. और करेक्टर्स को डिफेंड किया कि उसने करेक्टर्स इस तरह के क्यों दिखाए हैं. सो 17th चैप्टर जो है इट वॉज अ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन. अब यहाँ पर यही बात हमारे लिए समझनी ज़रूरी है कि जो 17th चैप्टर एडम बीड का है वो अपने आप में रियलिज्म का इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. क्योंकि इसमें ना सिर्फ स्टोरी थोड़ी देर के लिए रुक रही है बल्कि इसमें करेक्टर्स को भी एक्सप्लेनेशन मिल रही है. क्योंकि अब हम उस रीडर की जगह बैठ के सोचेंगे जिसने आज से पहले इस तरह का नॉवल नहीं पढ़ा, तो हो सकता है इतनी रियलिटी जो है वो रीडर को कंफ्यूज कर दे या उसको शॉक कर दे. उसी शॉक के एलिमेंट को कम करने के लिए और अपने मीनिंग को पावरफुली और फोर्सफुली कन्वे करने के लिए एलियट ने जो 17th चैप्टर लिखा इस नॉवल में वो इस नॉवल की स्टोरी के साथ लिंक नहीं करता. वो एक तरह की एक्सप्लेनेशन है कि वाई हैड शी रिटन दिस काइंड ऑफ नॉवल. इज़ दैट क्लियर? सो नाउ आई स्टार्ट रीडिंग द आंसर. एडम बीड इज़ कंपाइल्ड बाय जॉर्ज एलियट हुज़ रियल नेम वाज मैरी एन इवंस एंड इट वाज रिलीज्ड इन 1859. तो आपने डेट्स याद रखनी है. हम बात करें 18th सेंचुरी की. It is assumed that it is among the finest types of literary realism in England and English books. Eliot has created the incorrect illusion of a steady and immemorial rural world. Realists usually focus more on character than on plot. So the chapter 17 is entitled. अब chapter का title जो है उसी से आपको clear हो जाएगा जो मैंने आपको beginning में बातें बोली कि यहाँ पर स्टोरी रुक गई थी. तो चैप्टर का टाइटल क्या है, इन विच द स्टोरी पॉजेज अ लिटल. ये वो चैप्टर है जिसमें स्टोरी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है. इट डजेंट एडवांस द प्लॉट एट ऑल. इसमें आगे इंसिडेंट नहीं हो रहे हैं. इट इज़ कॉल्ड अ मैनिफेस्टो ऑन रियलिज्म. मैनिफेस्टो क्या है, डेक्लरेशन. तो चैप्टर 17 इज़ अ काइंड ऑफ डेक्लरेशन ऑन रियलिज्म. The author had said that it was her intention to tell the truth about people and not to idealize or sentimentalize them. She loved simple and ignorant people, even though they might be vulgar than idealist or social snobs. Social snobs क्या होते हैं, जो high-headed होते हैं. अब writer ने अपनी पसंद दिखाई है कि उसको simple लोग पसंद हैं, उसको इतने चाहे वो vulgar का मतलब क्या होता है, जिनको ज़्यादा एटिकेट्स ना हो, जो ज़्यादा
सोफिस्टिकेटेड वे में बात ना कर सकें, उसको फिर भी वो पसंद है. दिस वेल नोन चैप्टर इज़ ऑफन कोटेड एज हर आर्टिस्टिक क्रीड फेवरिंग ट्रुथफुलनेस. एलियट ओपन्स चैप्टर 17 बाय इमेजिनिंग अ रीडर हु इज़ टर्नड ऑफ बाय मिस्टर आयरविन. एलियट्स नैरेटर टॉक्स टू मिस्टर टोटली नॉन एग्जिस्टेंट रीडर. ये टर्म उसने यूज़ की है, मिस्टर टोटली नॉन एग्जिस्टेंट रीडर, क्योंकि रीडर कोई भी हो सकता है. एडम बीड इज़ वाइडली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रियलिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर. रियलिस्ट लिटरेचर डोमिनेटेड इन इंग्लैंड फॉर अबाउट 50 ईयर्स बिगनिंग अराउंड 1840. द अमेरिकन एक्सपैट्रिएट ऑथर, एक्सपैट्रिएट जो है इमिग्रेंट है ऑथर, हेनरी जेम्स कंसिडर्ड एलियट टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंसेज इन हिज राइटिंग. मैथडिज्म ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नॉवल. द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट बिगेन इन इंग्लैंड इन 1729, वॉज फाउंडेड बाय द प्रीचर जॉन वीजली एंड हिज ब्रदर चार्ल्स. द रिलीजन रिजेक्ट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, द आइडिया दैट ओनली होम गॉड हैज़ चोजन कैन बी सेव्ड. प्रीडेस्टिनेशन का मतलब क्या है कि एवरीथिंग इज़ प्री रिटन, कि सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है, कुछ चेंज नहीं हो सकता. ठीक है. सो वीजली लाइक डीना मॉरिस ऑफन प्रीच्ड इन ओपन फील्ड्स बिकॉज मेंबर्स ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम प्रीचिंग इन चर्चेज. मैथोडिज्म वॉज वाइडली पॉपुलर अमंग द वर्किंग क्लासेज ऑफ इंग्लैंड इन द लेट 18th सेंचुरी एंड लार्जली ड्राइडेड बाय द अपर क्लासेज. अब इंग्लैंड में हो क्या रहा था उस टाइम पर, मैथोडिज्म ट्रेंड में आ रहा था. मैथोडिज्म में क्या था, मैथोडिज्म में जो प्रीचर थे, जो प्रचार करने वाले थे, वो कॉमन मैन के बीच में जाकर गॉड की बात करते थे. इससे पहले क्या था कि गॉड की बात चर्च में हो रही थी, बंद कमरों में हो रही थी. मैथोडिस्ट ने क्या किया, वो ओपन फील्ड्स में आए, आम लोगों से मिले, उनकी भाषा में बात की, उनके साथ कॉन्टेक्ट किया. तो ये चीज़ें हमें पता है कि ये हाई क्लास को पसंद नहीं आएंगी. तो इस नॉवल में एक करेक्टर है, डीना मॉरिस का करेक्टर है, शी इज़ प्रीचिंग इन द सेम वे इन द ओपन फील्ड्स एंड शी इज़ नॉट लाइक्ड बाय द पीपल ऑफ द चर्च. तो यहाँ पर बहुत जॉर्ज एलियट ने एक रियलिस्टिक पिक्चर डिपिक्ट की है उस टाइम की. सो मैथोडिज्म वॉज वाइडली पॉपुलर अमंग द वर्किंग क्लासेज ऑफ इंग्लैंड इन लेट 18th सेंचुरी एंड लार्जली डिराइडेड बाय द अपर क्लासेज. द करेक्टर्स इन एडम बीड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली मीन्स इन द सेम वे अपियर इन दिस व्यू. द मोर सोफिस्टिकेटेड सोशलाइट करेक्टर्स लाफ एट द मैथोडिस्ट एंड टेक अ हॉटी व्यू टुवर्ड डीना मॉरिस. हॉटी इज विच इज़ फुल ऑफ प्राइड. वेयर एज द सिंपल विलेजर्स आर अट्रैक्टेड टू द जेंटल लव विद विच शी प्रीचेस. वीजली encouraged work among the poor and his efforts have affected the poor and doctrine of Methodist Church even today. Thus, Methodism was a positive social reform born out of rejection of some organized religion. Organized religion कौन से होते हैं, जिसमें कोई एक उसका owner बन के बैठ जाता है, उसको लगता है कि उसी को religion का सब कुछ पता है और वही उसके ऊपर preach करेगा. इन चीज़ों को तोड़ा गया Methodist द्वारा. तो ऑब्वियस है कि इसको वर्किंग क्लास पसंद करेगी, क्योंकि उनकी बात सुनी जा रही थी, पहली बार उनसे कोई बात कर रहा था. तो डीना मॉरिस इन दिस नॉवल मैरिज एडम बीड इन द एंड, दो शी इज़ नॉट मच सॉट आफ्टर बिकॉज ऑफ हर रफ एक्सटीरियर. डीना मॉरिस दिखने में इतनी अच्छी नहीं है, शी हैज़ नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेजेंट एक्सटीरियर. दिस सेल्फ कंटेन्ड एसे इज ड्रॉप्ड इन टू द मिडल ऑफ द नॉवल. इट सीम्स दैट द राइटर हैज़ स्टॉप्ड नरेशन ऑफ द नॉवल इन द मिडल to give clarification on her viewpoint on certain controversial subjects. It looks like a defense of her literary method. The switch from narration to exposition involves a switch in realities as well. Before this chapter, the reader is involved in an 18th century world, complete in every detail. जैसे मैंने आपको beginning में बताया, 16th chapter तक reader अपने आप को imagine कर रहा है 18th century में, क्योंकि उसी तरह के कैरेक्टर्स बने हुए हैं, उसी तरह का स्पेस दिखाया हुआ है, वही टाइम चल रहा है. लेकिन द रीडर इज़ जॉल्टेड इन टू रियलाइजेशन दैट द वर्ड ऑफ एडम बीड इज़ अनरियल. जैसे 17 चैप्टर शुरू होता है, वो सारा एकदम से जो उसकी माइंड में चल रही थी इमेज, वो ब्रेक हो जाती है और वो रियलिटी में आ जाता है. उसे लगता है कि अभी तक वो कुछ जो पढ़ रहा था दैट वॉज अनरियल. And Eliot attempts to connect the two realities by her reference to Adam in his old age. The story she implies did actually take place.
She is writing from memory and basing her work on the evidence of witness. But the illusion is destroyed. The reader is forced to detach himself from the story and regard it as a presentation of long past episode in objective reality. अब पहले तो शुरू में एलियट ने क्या कहा था कि वो अपने एक्सपीरियंस से लिख रही है. 16 चैप्टर तक वो रीडर ऐसे ही पढ़ता जा रहा है नॉवल को कि ठीक है एलियट का अपने एक्सपीरियंस है ये सच में हुआ था. एंड द मोमेंट रीडर 17 चैप्टर तक पहुंचता है तो वहाँ पर एकदम से क्लैरिफिकेशन शुरू हो जाती है. तो अब रीडर को एकदम से शॉकिंग सरप्राइज मिलता है ना कि इससे पहले जो हो रहा था वो क्या था, इससे पहले जो चल रहा था वो क्या था, राइट. तो यहाँ पर द रीडर इज़ फोर्स्ड टू डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम द स्टोरी एंड रिगार्ड इट एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट एपिसोड इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी. द करेक्टर्स एंड सिचुएशंस इन द नॉवल लूज देयर सॉलिडिटी एंड बिकम मेयर फैंटेसीज. वो सिर्फ क्या बन के रह जाते हैं, इमेजिनेशन. एलियट हैड फेल्ट द नीड ऑफ राइटिंग दिस चैप्टर बिकॉज शी इमेजिन्ड हर रीडर्स रेजिंग ऑब्जेक्शंस टू हर वे ऑफ प्रेजेंटिंग हर करेक्टर. She assumed that her readers would find her method unusual and would react negatively to it. So she defended herself and issued a manifesto. She said that her readers might have expected her to create moral stereotypes. Stereotypes क्या होते हैं, जो वही पुराने स्टाइल के, कि उसे लग रहा था कि उसके रीडर्स चाह रहे होंगे कि वो stereotype characters लिखे, इस तरह के characters लिखे जो कि मॉरली अपराइट हैं. जैसे हमने पहले बात की थी कि कुछ सेट ऑफ करेक्टर्स जो अच्छे हैं वो सारे ही बहुत अच्छे हैं, जो बुरे हैं वो बहुत बुरे हैं. तो इस तरह के करेक्टर्स रीडर की एक्सपेक्टेशन हो सकती थी जो जॉर्ज एलियट ने पूरी नहीं की. सो इंस्टेड ऑफ रियल ह्यूमन बींग्स, लेकिन वो क्या लिख रही है, वो रियलिटी लिख रही है, ठीक है. दे वॉन्टेड द करेक्टर्स टू बी ऑल गुड और ऑल बैड. दे वॉन्टेड दैम टू बी रिवार्डेड और पनिश्ड. इन शॉर्ट दे वॉन्टेड करेक्टर्स टू बी एडिफाइड. एडिफाइड क्या होता है कि उनको हमने एक डेफिनेशन में लॉक कर दिया. बट शी डिक्लेयर्ड टू गिव अ फेथफुल अकाउंट ऑफ मैन एंड थिंग्स एज दे हैव मिरर्ड देमसेल्व्स इन माय माइंड एज इफ आई वर इन द विटनेस बॉक्स नरेटिंग माय एक्सपीरियंस ऑन ओथ. विटनेस बॉक्स आपको पता है ना, जो कोर्ट में बना होता है अंदर के, जो जहाँ पर वो गवाही देता है एक गवाह, उसको विटनेस बॉक्स बोला जाता है. ओथ का मतलब कसम होता है. तो कह रही कि मैं इस तरह का अकाउंट लिख रही हूँ नॉवल में जैसे मैंने कसम खाई है कि मैं जो बोलूँगी वो सच बोलूँगी. तो मैं जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं उसी के बेस पर लिख रही हूँ. और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई 100% अच्छा नहीं, कोई 100% बुरा नहीं. इसलिए मेरे नॉवल में जो करेक्टर्स आ रहे हैं वो मिक्सचर हैं गुड पॉइंट्स का और बैड पॉइंट्स का. She explained beautifully the inevitable flaws of human life. ये definition मुझे बहुत पसंद है. आप जब question को attempt करोगे paper में, आप इन दोनों definitions को ज़रूर लिखना. आप देखो उसने कितनी beautifully ये life की सच्चाई लिखी है कि life ऐसी ही है, जैसी हम expect करते हैं life वैसी नहीं होती. और यही चीज़ है हमारे fellow beings के साथ. इस life में हम कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों के साथ interact करते हैं, क्या वो सारे लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस पर पूरे उतरते हैं, नहीं. और समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों के लुक्स के साथ प्रॉब्लम होती है ना, जो ये भूल जाते हैं कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उनके अपने हाथ में नहीं है. अगर किसी का बिगनिंग से ही जो फॉर्मेशन ऑफ फीचर्स है वो हमारे हाथ में नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन जीन्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स. सो उसने कहा दीज फेलो मॉर्टल्स एवरीवन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर. अगर आप रियलिस्ट हो तो ये बात आपको सीखनी पड़ती है कि आप लोगों को जैसे लोग हैं वैसे ही उनको एक्सेप्ट करो. यू कैन नीदर स्ट्रेटन देयर नोजेज. अगर किसी का नोज़ आपको टेढ़ा लग रहा है आप उसको सीधा नहीं कर सकते. नॉर ब्राइटन देयर विट्स. और कोई आपको डल लग रहा है, बेवकूफ़ लग रहा है, तो आप उसकी विट्स को, उसकी विजडम को तेज नहीं कर सकते. इट इज़ नीडफुल दैट यू शुड टॉलरेट पिटी एंड लव. दिस इज़ ब्यूटिफुल. तो लाइफ कैसे जी जाती है, जब आप टॉलरेट करना सीखते हो, सामने वाले की कमियों को एक्सेप्ट करते हो, उसको टॉलरेट करते हो, देन यू हैव पिटी ऑन देम, देन ओनली यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ लव फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स. शी अफर्म्ड फॉल्सहुड इज सो ईजी, ट्रुथ सो डिफ़िकल्ट. तो झूठ बोलना तो बहुत आसान है, मुश्किल काम क्या है, सच बोलने का. और वो काम जॉर्ज एलियट ने किया है.
She draws people and human situations as they really are, rather than trying to fit her characters and plot into a mold imposed by public taste. Mold आपको पता है ना कि कोई shape है, वो जिस जो लोगों को पसंद आ रहा है वो serve नहीं कर रही, वो जो सच्चाई है उसी को serve कर रही है, लोग पसंद करें या ना करें. She de-emphasizes some of the Victorian's favorite moral categories. Hattie, for example, is not condemned for sexual misconduct, but for self-centeredness. Eliot's characters are rewarded according to their relative virtue or vice, but it doesn't always follow in the real world. She created characters more realistically than most of her contemporaries did. Except for Dina, the characters in Adam Bede are not stereotyped. Agar koi character thoroughly acha dikhaya hai, वो दीना मॉरिस का करेक्टर है. अदरवाइज करेक्टर्स आर मिक्सचर ऑफ वन थिंग एंड द अदर. इवन द हीरो हैज़ वेरी ग्रेट वीकनेस विच ही मस्ट ओवरकम. हर करेक्टर्स आर रियलिस्टिकली एम्बिगुअस. एम्बिगुअस का मतलब जो थोड़े से डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हैं, जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग है. अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड ट्रेड्स. एलियट्स मैनिफेस्टो फेड्स मिड वे थ्रू द चैप्टर इन टू अ प्ली फॉर यूनिवर्सल सिंपथी. The revered Mr. Wright is more zealous clergyman in the technical sense, but Eliot prefers Mr. Irwin because he is benevolent to his parishioners. तो दो clergyman उसने दिखाए हैं, चर्च के दो जो priest दिखाए हैं, Wright और Irwin. उसमें उसने Irwin को support किया है क्योंकि Irwin जो है वो अपने चर्च के साथियों के साथ benevolent है, ज़्यादा loving way में deal करता है. और Eliot का ये मानना है कि वही इंसान God को follow कर रहा है जो कि अपने फेलो बींग्स को अच्छी तरह से ट्रीट करता है. मिस्टर आयरविन इज जस्ट अ गुड मैन नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट ही बिलीव्स बट बिकॉज द वे ही ट्रीट्स पीपल, राइट. सो दिस एलियट्स मॉरल फिलोसफी इज बेस्ड पार्शली ऑन फीलिंग्स. द रेवोल्यूशनरी करेक्टर ऑफ एडम बीड कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड टू मच. एलियट एम्प्लॉयज साइकोलॉजिकल मैथड इन रिकन्स्ट्रक्टिंग ह्यूमन करेक्टर्स एंड सिचुएशंस. आफ्टर एलियट द मेंटल एज वेल एज द फिजिकल आस्पेक्ट ऑफ मैन बिकेम फेयर गेम फॉर द नॉवलिस्ट. Fiction took a giant step in the direction of more accurately reproducing reality. Her work had the effect of liberating the novel from a narrow and conventionalized view of human life. तो उसने novel writing को एक नया turn दिया, इसको एक narrow thinking से free किया. She wrote in the concluding para of the chapter, I have come to the conclusion that human nature is lovable. The way I have learned something of its deep pathos, its sublime mysteries, living among people more or less commonplace and vulgar. So this is the beauty of life. When you have acceptance for every kind of people, then you are able to live your life in a more peaceful way, in a more harmonious way. तो जो harmony है वो कहाँ से आएगी? Acceptance से आएगी. ये ब्यूटीफुल मैसेज जॉर्ज एलियट ने अपने रियलिटी बेसिस नॉवल पे दिया है. द चैप्टर एम्फेसाइजेज द नीड ऑफ पेशेंस फॉर ह्यूमन डाइवर्सिटीज. डाइवर्सिटीज आर डिफरेंसेस. एलियट अफर्म्ड हर व्यू पॉइंट ऑफ राइटिंग नथिंग बट रियल इन हर फिक्शन. तो ऑन द होल जो पूरा 17th चैप्टर है वो एक तरह से जस्टिफिकेशन देता है कि एलियट ने ये इस तरह का नॉवल क्यों लिखा है, है ना. तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा इन एग्ज़ाम. और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. और कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.